अमेजा गेटा को लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है अरहान खान और रश्मि देसाई के रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट खुद अरहान खान ने जारी कर दिया है। तो आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते। उससे पहले यार, आप सबका ये फर्ज बनता है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे इस बड़ी खबर को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर अरहान खान को घर से बेघर हुए करीब 3 हफ्ता हो चुके हैं। यानी कि वो पहले घर में आए थे, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए और फिर बाहर चले गए हैं, और इस बार जो गए हैं तो इस बार वापस नहीं आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, काफ़ी दिन से बना हुआ था। नतीजा ये था कि कोई भी, मतलब कि अरहान खान ने कुछ बातें ऐसी छुपाई थी जो कि रश्मि को पता ही नहीं थी। खुद सलमान खान ने उनको कुछ बातें बताई थी, जिसके बाद से रश्मि देसाई काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। इसके बाद सलमान खान ने यह भी बता दिया कि अरहान खान की पहली शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, ये भी बताया सलमान खान ने, जबकि ये बात रश्मि देसाई को नहीं पता थी। बहरहाल ये सब मामला सॉर्ट आउट हो चुका था, उसके बाद से ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। अब एक और मामला आता है सामने कि रश्मि देसाई अपने घर से सबसे अलग रहती हैं, अकेले रहती हैं, और उनका एक अपना खुद का घर है, घर वाले अलग घर में रहते हैं। तो उस घर की जो चाबी है वो रश्मि देसाई खुद नहीं लाई थी, किसी को दे के आई थी। बड़ी बात यह कि जिसको दे के आई थी उन्होंने उस घर की चाबी को दे दिया अरहान की मम्मी को, जिसके बाद अरहान का पूरा परिवार उनके घर में रह रहा है, रश्मि देसाई के घर में रह रहा है। जब ये बात रश्मि देसाई को पता चली कि उनके घर में कोई और रह रहा है, तो एक बार फिर से उन्होंने नए ताले मंगवाए और नए ताले उन्होंने जड़वाए हैं वहाँ पे। और इस बार एक बार फिर से उसी की तरीके से ये सब छोटी मोटी जो बातें हैं, इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर अरहान खान ने एक फैसला ले लिया है और कहा है कि अब वो रश्मि देसाई के साथ नहीं रहना चाहते हैं। चेक करना वीडियो को।